स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10 का यूनिट नंबर सेकंड जो चल रहा था, अपन उसी को आज अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर और आज अपन इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस इससे लास्ट लेक्चर में अपन ने एक डायग्राम समझाया था जिसमें अपन ने बताया था कि जो शेयर्स हैं वो अपने दो तरीके से इशू होते हैं, एक तो एक कैश के लिए इशू करते हैं और एक अदर देन कैश के लिए इशू करते हैं, और शेयर पार पे भी इशू करे जा सकते हैं और प्रीमियम पर भी इशू करे जा सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पर अब शेयर इशू नहीं किया जा सकता है, केवल किसको छोड़ के स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के, और इनको जो दो तरीके से अपन इशू करते हैं, एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। तो गाइस आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश और अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया लमसम, ठीक है गाइस। तो इसका एग्जांपल है, तो मैं गाइस इसमें आपको मतलब अलग से कोई एंट्री नहीं समझाऊंगा, मैं क्वेश्चन के साथ आपको पूरी पूरी एंट्री को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूं, ठीक है गाइस। तो इसमें गाइस लिखा हुआ है कि एससी लिमिटेड ने इशू कर रहे हैं 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 2000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं और कितने रुपीस वाले गाइस 100 रुपीस, और एट पार पे करें पब्लिक को, ऑन 1st अप्रैल 2016 को इन्होंने इशू करे, होल अमाउंट वाज पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के साथ सारा का सारा अपन को क्या मिल गया, पैसा मिल गया, ठीक है, कहीं कंपनी को एप्लीकेशन पर रिसीट जो हुई थी और ऑल द शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन सारे के सारे शेयर्स पे क्या हो गई रिसीट हो गई, उसके देखा हुआ है लास्ट डेट ऑन एप्लीकेशन वाज 30 अप्रैल 2016, यानी कि एप्लीकेशन जो उन्होंने स्टार्ट करी थी वो 1 अप्रैल से करी थी और एप्लीकेशन का लास्ट जो डेट थी वो थी 30 अप्रैल, ठीक है। लिखा हुआ है ऑल अलॉटमेंट ऑफ द शेयर वाज मेड ऑन 15th मे, यानी कि जो शेयर्स थे वो अलॉट कौन सी डेट को कर दी गए 15th मे को कर दी गए, इन्होंने लिखा है कि प्लेस द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, ठीक है गाइस। तो पहली बात तो ये है कि 100 रुपीस का शेयर है और ये एट पार पर इशू करा गया है, एक एट पार पे इशू हुआ और एट डिस्काउंट एट प्रीमियम पर इशू हुआ, यानी दो टाइम से कर सकते हैं, तो पार पे कर सकती है कंपनी और एक प्रीमियम पर कर सकती है। तो अब ये अपन पहले पार की बात करते हैं, ठीक है गाइस, एट पार, तो इसकी एंट्री जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब तक आप एप्लीकेशन फिल करके पैसा जमा नहीं कराएंगे कंपनी को, तब तक कंपनी को यह नहीं मालूम है कि आप लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा जमा कराना है, तो सबसे पहले जो आता है वो कंपनी के पास आता है एप्लीकेशन का पैसा। तो गाइस इसमें अपन लोगों का फॉर्मेट वही है, जनरल एंट्रीज का डेट पर्टिकुलर एलएफ डीआर एंड सीआर, तो मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट नॉर्मल एंट्रीज समझा रहा हूं। तो सबसे पहले पैसा आएगा कंपनी के पास, एंट्री पोस्ट होती है बैंक अकाउंट डीआर, जो कि आपने 12th में पढ़ी हुई है, मैं रिकॉल करा रहा हूं इसलिए मैं इसको डेप्थ में जाकर नहीं समझा रहा हूं, बैंक अकाउंट डीआर 2 मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, बैंक अकाउंट डीआर। अब कंपनी के पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसलिए हमने एक साथ लिखा है क्योंकि कंपनी क्या करेगी, एक बार में पैसा ले रही है पूरा, ठीक है, इसलिए हमने यहां पर अलॉटमेंट लिख दिया है एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। तो अलॉटमेंट है, तो यानी कि गाइस इसमें क्या होगा कि कितने शेयर है, 2000 शेयर है, 100 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है, टोटल अगर मैं बात करूं तो 2 लाख रुपीज इनके पास आएंगे और यहाँ पे अपन 2 लाख रुपीज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है गाइस, यानी कि एक साथ पैसा ले रही है और जब पैसा लेने के बाद उनको अलॉट करेगी तो एक साथ अलॉट करेगी, टुकड़ों में कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डीआर 2 लाख और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। अब गाइस एक्चुअली में होता क्या है कि कंपनी ये जो चीज का पैसा मांग रही है वो कंपनी कैपिटल का पैसा होता है, एक्चुअली ये वे होता है पैसा मंगाने, कैपिटल को पैसा मंगाने का एक वे है। तो इस जो पैसा आया है इसको कंपनी क्या करती है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है, एंट्री पोस्ट करती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कितने रुपए ट्रांसफर करेगी 2 लाख रुपए जो इनके पास आया है, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा था उन्होंने कैपिटल में ट्रांसफर करा। इसकी गाइस डेट है, डेट किस तरीके से, 1 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म खुले हुए थे 30 अप्रैल तक, तो ये जो एंट्री पोस्ट होगी कंपनी के पास वो होगी 30 अप्रैल 16 को, ठीक है, और गाइस तो उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ कि अलॉटमेंट कौन सी डेट को कर दिए गए हैं, 15th मे 16 को ये शेयर अलॉट कर दिए गए, तो ये एंट्री अपनी रहेगी 15th मे को और ये रहेगी अपनी 30 अप्रैल को, यानी पहले बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री पोस्ट करिए, लमसम का केस है इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ देख रहे हैं क्योंकि यहां पर टुकड़ों में यानी कि इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांगा जा रहा है।
और उसके बाद करेंगे जो इक्विटीशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा है, ये कंपनी की कैपिटल का पैसा है, तो कंपनी इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इक्विटीशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ही यार तो इक्विटीशियल कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। ये एक वे होता है पैसा मंगाने का, तो कंपनी इस वे को खत्म कर देती है। अल्टीमेटली जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटीशियल कैपिटल, ठीक है। तो पैसे मंगाएंगे किस तरीके से भाई, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के थ्रू, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके थ्रू आपसे पैसा मंगाएंगे और उसके बाद आपको शेयर कर देंगे अलॉट। तो ये गाइस एंट्री है बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटीशियल एप्लीकेशन अलॉटमेंट और इक्विटीशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटीशियल कैपिटल। तो यानी कि जो पैसा मंगाया है वो कंपनी कैपिटल का पैसा है और कंपनी इसको अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इसको ट्रांसफर करना ही इसी को अपन बोलते हैं शेयर अलॉट करना, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डेट के अकॉर्डिंग मैंने बताया है लास्ट डेट को एंट्री करते हैं, जिस दिन लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन की उस दिन अपन ये वाली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन वाली। और अलॉटमेंट उन्होंने बोला है कि 15th मई को किया है, तो अपन ने 15th मई को ये एंट्री पोस्ट कर दी है। ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब ही अलॉटमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये है एट पार का सिस्टम। तो आई होप कि ये एंट्री आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर कहीं आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है, एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है, एंट्रीज रटनी नहीं है, एंट्रीज बनाना आना चाहिए, तो अपन अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें। तो ठीक है गाइस, ये था एट पार, अपन ने इसकी एंट्री पोस्ट करी। ये 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। इस डेट को इन्होंने एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी और 30 अप्रैल की लास्ट डेट थी और अलॉटमेंट इन्होंने 15th में करा है, तो अपन ने दोनों एंट्री पोस्ट कर दी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को अपन करेंगे किस पर, प्रीमियम पर, ठीक है। ये तो था एट पर, अब अपन करेंगे इसी क्वेश्चन को एट प्रीमियम पर। अब एट प्रीमियम की एंट्रीज देखते हैं अपन को किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। अब अपन करेंगे एट प्रीमियम, तो इसी क्वेश्चन को मैं एट प्रीमियम पर चेंज करने वाला हूं। तो एट प्रीमियम, तो इसमें लिखा हुआ है कि ये एसी लिमिटेड इशू 2000 इक्विटीशियल 100 ईच एट पार की जगह लिखते हैं एट 100 रुपए ईच इशूड एट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां पर इस लाइन को, यहां लिख रहा हूं इशूड एट 10% प्रीमियम, ठीक है। इसके लिखा हुआ एसी लिमिटेड इशू 2000 इक्विटीशियल ऑफ 100 इज इशूड एट 10% प्रीमियम पब्लिक को ऑन अप्रैल 1st 2016। अब गाइस एक बात आपको याद रखनी है, जो ये प्रीमियम बोला गया है, प्रीमियम होता है वो हमेशा याद रखना है आपको किस पर लेना है जी, फेस वैल्यू पे लेना है। इसको अपन दूसरा नाम बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू का प्रीमियम चार्ज होता है, यानी 100 रुपीस इसकी फेस वैल्यू है और इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो गाइस कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, ठीक है। और अपन इसमें टोटल जो पैसा मांगने वाले हैं वो अपन 100 रुपीस तो मांगेंगे शेयर की फेस वैल्यू का और 10 मांगेंगे प्रीमियम का, तो टोटल 110 रुपीस अपन मांगेंगे एक शेयर का। प्रीमियम इसलिए कंपनी लेती है, अब आप बोलेंगे कि प्रीमियम तो ज्यादा हो गया, यानी फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम, ऑब्वियसली बात है कि 100 रुपीस को 10% प्रीमियम पर ले रही है, तो मतलब पैसा एक्स्ट्रा ले रही है, जितनी उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा का पैसा ले रही है, क्योंकि मार्केट में कंपनी गुडविल है, मार्केट में कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं, तो इसलिए कंपनी प्रीमियम पर इशू करते हैं कि कंपनी का मार्केट जो है वो अच्छा चल रहा है, मार्केट बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है, तो कंपनी प्रीमियम लेती है, ठीक है। अब अपन इसकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं, तो अपन किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो अपन ने एंट्री अभी पोस्ट करी थी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटीशियल एप्लीकेशन, मैं गाइस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको ये फुल फॉर्म में लिखना है, पूरी बात आपको हमेशा याद रखनी है, आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं चलेंगे। इक्विटीशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अब एक शेयर का जो ये लेने वाली है वो लेगी 110 और कितने शेयर है गाइस 2000, ठीक है। तो ये ले लेगी यहां पर 220000 यानी 220000 रुपए ये लेगी, ठीक है, पब्लिक से। तो अब ये हमें अच्छे से पता है कि 110 में हमारा 10 रुपीस प्रीमियम है और 100 रुपीस का कैपिटल का पैसा है। एंट्री का जरा ध्यान से समझेंगे, इक्विटीशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटीशियल कैपिटल, इक्विटीशियल कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यानी कि यहां पर अपन 220000 लिखेंगे, इसमें जो कैपिटल का पैसा है वो कंपनी का वो है 100 रुपए यानी कि 2000 शेयर्स पर, और इसमें 10 रुपीज इनका सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा 2000 × 10 यानी कि अपन यहां पर 200000 लिखेंगे और यहां पर 20000 लिखेंगे। कंपनी अपना जो सिक्योरिटी प्रीमियम है प्रीमियम
का पैसा लेती है, उसको सेपरेट अकाउंट में डालती है, उसे अपन बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कंपनी के लिए ये जो ऐसा प्रॉफिट होता है और रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में ये जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो इक्विटीशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डियर 220,000 टू इक्विटीशियल कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। एक साथ पैसा मांगा था, 100 रुपए का 10% प्रीमियम पर इश्यू करा था, तो इन्होंने 110 रुपए मांगा। तो ये वही सेम एंट्री है, ये एंट्री जो पोस्ट होगी वो होगी 30 अप्रैल 16 को और ये होगी 15 मई 16 को। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी एंट्री। प्रीमियम एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको, हमेशा आपको फेस वैल्यू पर चार्ज करना है। ठीक है गाइस, इस पर फेस वैल्यू पर नॉमिनल वैल्यू पर ध्यान रखना है आपको। 100 रुपीज का 10% 10, फेस वैल्यू का 100 रुपए लेगी, प्रीमियम पर 10 लेगी, 110 रुपीज लेगी। तो आपको अगर शेयर खरीदना है तो 110 रुपए पे करने होंगे। बैंक अकाउंट डियर टू क्यूडिशियल एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्योंकि लमसम का केस है। ठीक है, तो एक साथ इसमें पैसा लिया जाता है और फिर उसका शेयर अलॉट किया जाता है, इंस्टॉलमेंट में पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो 110 एक शेयर की वैल्यू रहेगी और 2000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 220,000 पैसा आएगा और उसको कंपनी अपने ट्रांसफर करेगी कैपिटल अकाउंट में और सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पर जो 10 रुपीज प्रीमियम लिखा गया है कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, और कैपिटल का जितना पैसा है वो है उसकी 100 रुपए यानी कि नॉमिनल वैल्यू वाला है तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप गाइस ये आपको दोनों एंट्री समझ में आई होगी, एट प्रीमियम और इससे पहला एट बार। आपको याद रखना है, आपको पूरा अपना फुल फॉर्म लिखनी है। अगर प्रेफरेंस होते तो इक्विटी शेयर्स की जगह प्रेफरेंस आ जाता और एंट्री सेम रहती। डेट अपन ने बता दिया कि किस तरीके से आपको ये एंट्रीज पोस्ट करनी है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, ये लमसम का केस था और इश्यू ऑफ शेयर जो था वो फॉर कैश में था। अभी अपन इसका अभी पढ़ने वाले हैं कि जो है लमसम का केस ही पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे अदर देन कैश के अंदर। तो गाइस अब बात करेंगे अपन इश्यू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश के बारे में। ठीक है गाइस, और ये जो है ये भी टॉपिक अपना कौन सा है, लमसम। ठीक है, लमसम पढ़ेंगे। अभी भी अपन ने जो पढ़ा था वो था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश के अंदर और अब पढ़ रहे अदर देन कैश के अंदर। अभी वो भी लमसम भरा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एससी लिमिटेड ने इश्यूड कर एससी लिमिटेड ने परचेस करी है मशीन वर्थ ₹6 लाख फ्रॉम किससे, जयपुर लिमिटेड से। मशीन परचेस करी है और वो भी किससे, जयपुर लिमिटेड से। एंड इश्यूड करे क्यूडिशर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ पेमेंट। जयपुर लिमिटेड को जो 6 लाख का पेमेंट करना था वो उन्होंने 10 रुपए वाले क्यूडिशर में किया है। ठीक है, और जनरल एंट्रीज करनी है बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड में, इन्होंने लिखा है कि जो शेयर है वो इशूड किया गया एट पार और एट 20% प्रीमियम पर, यानी एक बार पार पे इशू करा है और एक बार पर वो प्रीमियम पर इशू करके करना है। तो अब इसमें बात करते हैं जो अब शेयर इशू है उसको अदर देन कैश में करना है, मतलब उसको इशू करने पर कैश नहीं आएगा क्योंकि हमने मशीन परचेस करी, मतलब एससी लिमिटेड ने मशीन परचेस करी है जयपुर लिमिटेड से और जयपुर लिमिटेड को वो पेमेंट के बदले यानी जो पैसे के बदले वो क्या दे रही है पेमेंट में, इक्विटी शेयर्स दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एट पार के बारे में। किसके बारे में, एट पार, वही फॉर्मेट रहेगा डेट पर्टिकुलर एलएफ डीआर एंड सीआर। तो मैं डायरेक्ट एंट्री आपको समझाता हूं। सबसे पहले अपन मशीनरी परचेस करेंगे जयपुर लिमिटेड से, एंट्री पोस्ट होगी मशीन अकाउंट डीआर टू जयपुर लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, जयपुर लिमिटेड अकाउंट कितने रुपीज की, 6 लाख। ठीक है, अब कंपनी ने इसको पेमेंट करने के लिए शर्त दी, अगर अपन जयपुर लिमिटेड को कैश में पेमेंट करते तो एंट्री पोस्ट होती जयपुर लिमिटेड अकाउंट डीआर टू बैंक, लेकिन अब जयपुर लिमिटेड को पैसा तो दे नहीं रहे, उसके बदले इक्विटी शेयर दे रहे, और ये सारी जो एंट्रीज हो रही है वो हो रही है एससी लिमिटेड के, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। तो गाइस जरा चेक करते हैं अपन इस एंट्री को, जयपुर लिमिटेड अकाउंट डीआर टू, यहां पे लिखूंगा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने इसको क्या दी है कैपिटल, मतलब हमने इसको इक्विटीशन कैपिटल दी अपनी, यानी कि अपन को पता है 6 लाख पेमेंट करना था और हमें पता है कि इधर लिखा हुआ है एट पार, तो मैं पहले एट पार ही करा रहा हूं। 10 रुपए का शेयर है, मैं इसमें 10 का डिवाइड दूंगा तो मतलब मुझे कितने शेयर देने, यानी कि एससी लिमिटेड को कितने शेयर देने पड़ेंगे, 60,000। तो 60,000 इनटू 10 कराएंगे और 6 लाख का इनको पेमेंट करा दिया जाएगा। एंट्री पोस्ट होगी जयपुर लिमिटेड अकाउंट डीआर टू इक्विटीशन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी पहले मशीन परचेस करी जयपुर लिमिटेड से तो जयपुर लिमिटेड को कैश ना देकर अपनी कंपनी की क्या दे दी, इन्होंने शेयर दे दिए, तो इससे अपन बोलते हैं जो शेयर इशू हुए अदर देन कैश में इशू हुए हैं। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डीआर जयपुर लिमिटेड और जयपुर लिमिटेड अकाउंट डीआर इक्विटीशियल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अपन बात करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इक्विटीशियल्स कितने दिए जाएंगे, तो 6 लाख में अपन 10 पे डिवाइड देंगे तो 60,000 दिए जाएंगे, क्योंकि अपन का जो शेयर इशू है वो एट पार है, यानी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 रुपए पे इशू किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों समझ में आएंगे, पहले परचेस करने की एंट्री और इसको पेमेंट के रूप में अपन के
ने क्या दिया, शेयर कैपिटल दिए, यानी एससी लिमिटेड ने क्या दिया, अपनी शेयर कैपिटल। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ये है एट पार और ये चल रहा है अदर देन कैश में लमसम वाला मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं एट प्रीमियम के बारे में। किसके बारे में? एट प्रीमियम। तो एट प्रीमियम के लिए भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। तो गाइस एट प्रीमियम पर इशू बन, तो पहले तो परचेस करने की एंट्री सेम पोस्ट होनी है, मशीन अकाउंट या तो जयपुर लिमिटेड, क्योंकि परचेस करने की। अब बात चल रही है कि 6 लाख रुपए का पेमेंट करना है, कितने का जी 6 लाख, और कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपए फेस वैल्यू का है और उसको 20% प्रीमियम पर ये इशू कर रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो कितने रुपए पर इशू होगा, 10 + 10 रुपीज का 20%। मैंने अभी आपको बताया था हमेशा फेस वैल्यू का चार्ज होगा, तो 10 × 2% हो गए 2 रुपीज। तो यानी कि बात करो तो कितने रुपए का शेयर इशू होगा, 12 का। बात समझ में आ रही है, यानी कि 10 रुपए का शेयर है और 20% प्रीमियम पर इशू करने, तो फेस वैल्यू 10 रुपए का 20% लेंगे तो 2 रुपए आएगा, 10 + 2 = 12। तो अपन इसमें 12 का डिवाइड करेंगे हम, यानी कि जितने रुपए पे अपना शेयर इशू करेंगे डिवाइड उतने का दिया जाएगा। अरे सीधी सीधी बात है भाई, अपन को कोई को 6 लाख का पेमेंट करना है, अगर अपन 500 के नोट्स में देंगे तो अपन 500 का डिवाइड करेंगे और निकालेंगे कितने नंबर ऑफ नोट्स आए, और अगर अपन 2000 के नोट्स में अगर पेमेंट करेंगे तो अपन इसमें डिवाइड करेंगे 2000 के। तो सेम प्रोसीजर है यहां पर भी कि अपन 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू पर इशू कर रहे हैं तो 10 का डिवाइड दिया है, और प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो 12 रुपए का डिवाइड दिया है, प्रीमियम निकाल लिया 2 रुपए और निकाल के अपन इसमें डिवाइड देंगे तो देखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन को कितने देने, 12 × 5 = 60, यानी कि अपन को 50,000 शेयर्स यहां पर देने पड़ेंगे। कितने गए, 50,000 शेयर, 12 × 5 = 60 और 40, तो अपन को 50,000 शेयर देने पड़ेंगे। तब एंट्री यानी जयपुर लिमिटेड को 6 लाख का पेमेंट करना है, तो 6 लाख का पेमेंट ही हो गया। ठीक है, कैपिटल में केवल फेस वैल्यू का पैसा जाता है, तो यानी 50,000 × 10 के हिसाब से 5 लाख जाएगा, इसे कितना जाएगा, 5 लाख जाएगा। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वो कितना जाएगा, 50,000 शेयर इनटू 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपीस जाएगा, और सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया सिक्योरिटी प्रीमियम पर, क्योंकि यहां पर 2 रुपए जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम का कंपनी का रहेगा। यानी मशीन अकाउंट डीआर टू जयपुर लिमिटेड, और जयपुर लिमिटेड को पेमेंट किया है वो है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम पर शेयर इशू करके किया तो 12 रुपीस का डिवाइड दिया, तो 50,000 इक्विटी शेयर अपन इशू करेंगे, 50,000 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और 50,000 इनटू 2 करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, तो हमने वो इस अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया है, क्योंकि सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा एट पार में किस तरीके से करा था। तो एट पार 10 रुपए का था, तो अपन ने 10 का डिवाइड किया 60,000 शेयर इशू करे थे, और अपन ने यहां पर 20% प्रीमियम पर करा, तो 10 रुपीस का 20 प्रीमियम 2 रुपए होता तो 12 रुपीस पर शेयर इशू होगा, तो डिवाइड दिया 12 का नंबर ऑफ शेयर निकाले 50,000। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा, यानी मशीन अकाउंट डीआर टू जयपुर लिमिटेड परचेस करने की और पेमेंट कराने की एंट्री ये अपन ने कराई है। तो गाइस अपन का लमसम वाला खत्म हो गया है, एक अपन ने कैश में पढ़ा और एक अपन ने अदर देन कैश में पढ़ा। अगर गाइस अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट है तो मेरे को आप जरूर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको और भी हेल्प कर दूंगा और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा, अगर आपको कोई भी चीज प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, तो गाइस अब अपन इसमें अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस अब बात करेंगे अपन, यानी नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि अपन ने अभी पढ़ा था लमसम में कैश में और अदर देन कैश में, अब अपन इंस्टॉलमेंट में पढ़ रहे हैं कैश में। ठीक है, तो गाइस अपन इसका एक इलस्ट्रेशन लेंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट में बात करेगा, यानी कि अपने जो शेयर का जो पैसा होगा वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा, टुकड़ों में लिया जाएगा, पहले एप्लीकेशन ली जाएगी, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, इस तरीके से कॉल चलेगा प्रोसीजर। सबसे पहले रहेगा एप्लीकेशन, सेकंड पर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, इस तरीके से रहेगा। एक बात गाइस अपन को याद रखनी है, इस कोई जिस भी क्वेश्चन को अपन करेंगे उसमें जौन सी भी कॉल लास्ट हो, यानी फर्स्ट कॉल लास्ट हो या सेकंड कॉल लास्ट हो, उसमें अपन को फाइनल लगाना है। अगर फर्स्ट कॉल लास्ट हो तो फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड कॉल लास्ट हो तो सेकंड एंड फाइनल। ये इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि इसके बाद अब कोई भी कॉल नहीं है, यानी फर्स्ट कॉल लास्ट है तो ये फाइनल है, सेकंड कॉल अगर लास्ट है तो ये भी फाइनल है। ठीक है गाइस, तो अपन इसको एक इलस्ट्रेशन के तरीके से अपन समझने वाले हैं। आपकी बुक में ये इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड है मॉड्यूल में, और ये पेज नंबर आपको दिया गया है 10.25 पर। ठीक है गाइस, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, लिखा हुआ है कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर 50 इंच पेबल ऑन एप्लीकेशन, मतलब एक कंपनी थी इनवाइट किया उसने एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर्स है जो कि 50 रुपीस वाले हैं। गाइस कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और जो कि कितने वाले हैं आपके 50 रुपीस वाले। ठीक है गाइस, 50
इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन पर इन्होंने 15 रुपीज मांगे, मतलब एप्लीकेशन कितने रुपए की मांगी गई है, 15 रुपए यानी टुकड़ों में। तो मैं आपको एंट्रीज अलग से नहीं लिखवाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ आपको समझाऊंगा। उसके बाद इसमें अलॉटमेंट जो लिखा गया है वो लिखा गया है 20 का, कितने का 20, और इसमें लिखा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी फर्स्ट जो कॉल है वो है अपनी 15 की, जो टोटल अगर मैं करूं तो 50 पर ये होता है। अब यानी कि जो अदर देन अपन जो कैश में पढ़ रहे हैं इंस्टॉलमेंट, इसको भी अपन पढ़ेंगे एट पार और एट प्रीमियम। तो ये एट पार का है क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है 50, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को जोड़ने पर भी 50 आ रहा है, एक्स्ट्रा नहीं जा रहा। अगर एक्स्ट्रा जाएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, लेकिन अभी मैं पहले एट पार समझा रहा हूं। और 10,000 इक्विटीशन से 50 रुपीस वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 20, और फर्स्ट कॉल कितने का है 15 का है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले गाइस अपन क्या करेंगे, कंपनी जो होगी वो पैसा मांगेगी सबसे पहले, क्योंकि कंपनी को नहीं पता ना भाई कौन-कौन लोग शेयर्स खरीदने वाले, तो पता कैसे चलेगा। जब वो एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा कराएंगे तब पता चलेगा कि ये लोग एप्लीकेशन कंपनी के खरीदने वाले शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। तो पहले इसलिए कंपनी के पास एंट्री वाली होती है बैंक अकाउंट डिटेल, उसके पास पैसा आता है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात करी जा रही है इंस्टॉलमेंट की, तो यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मांगा गया है। 15 रुपीज की एप्लीकेशन है, और गाइस और कितने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000, तो यानी कि 10,000 शेयर्स है और 15 रुपए का है, तो अपन यहाँ पर आएगा 1.5 लाख। कितना आएगा जी 1.5 लाख, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एप्लीकेशन जो है वो 15 है, अलॉटमेंट जो है वो अपना 20 है, और फर्स्ट कॉल जो है वो अपना 15 है, तो कुल मिलाकर जो है वो 50 रुपीस है और 50 का, तो यानी 1,50,000 का पैसा आएगा। आगे कहानी समझ में आपको, यानी बैंक अकाउंट डियर 1,50,000 टू इक्विटीशन एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000, ठीक है गाइस। अब ये एप्लीकेशन का पैसा है, मैंने आपको बताया था कि ये तो एप्लीकेशन तो एक वे है पैसा मंगाने का, अल्टीमेटली बात करें तो ये कंपनी की कैपिटल का पैसा होता है, तो कंपनी से अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, तो जो जिस वे से आया था उस वे को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस बात समझ में आ रही है क्या, तो इक्विटेशन कैपिटल अकाउंट 1,50,000 से अपन ने ये एंट्री भी पोस्ट कर दी है। गाइस पहले पैसा मंगाया, अब कंपनी को लगा कि हाँ ये लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले, पैसा है बैंक अकाउंट दिया, तो इक्विटेशन एप्लीकेशन का पैसा था 50 रुपीज, एप्लीकेशन में मांगे गए थे 10,000 शेयर, तो मल्टीप्लाई करा 1.5 लाख रुपए आ गया। कंपनी को पता चल गई, अभी कंपनी ने क्या करा, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करा, जैसे ही एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करा इसका मतलब अलॉटमेंट कर दिया है। अब जब अलॉटमेंट कर दिया है तो अब उनसे पैसे मांगे जाएंगे, ठीक है भाई। अब अलॉटमेंट किया मतलब इक्विटी शेयर को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब इन लोगों को अब शेयर अलॉट किए जाएंगे, तो अब इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। तो बात गाइस ऐसी है कि पहले पैसा मंगाया जाता है, पता चलता है कौन कौन लोग लेने वाले हैं, जब पता चल जाता है उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट पहले ड्यू करती है, उसके बाद पैसा मांगती है, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर गाइस क्या कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि कितने रुपए की अलॉटमेंट है 20, नंबर ऑफ शेयर्स गाइस कितने हैं 10,000, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 लाख, कितना आ जाएगा गाइस 2 लाख, यानी कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करी गई है वो 20 के, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000, मल्टीप्लाई करा 2 लाख, अब अलॉटमेंट ड्यू हो गया है होल्डर्स पर, अब उनसे पैसा मांगा जाएगा तो वो पैसा देंगे, तो यानी बैंक अकाउंट डीआर, यानी वे था अलॉटमेंट तो अल्टीमेटली कंपनी का कैपिटल का पैसा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो कितने रुपए से एंट्री पोस्ट होगी ये 2 लाख रुपए से, कितने से होगी 2 लाख रुपए से एंट्री पोस्ट होगी, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी सबसे पहले एप्लीकेशन मंगाई, एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल में ट्रांसफर करा, कैपिटल में ट्रांसफर मतलब इन लोगों को शेयर अलॉट किए गए हैं,
अलॉटमेंट ड्यू कर दी, इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी कैपिटल, अब अलॉटमेंट ड्यू होगी उसके बाद पैसा आएगा, बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, जितने रुपए से अलॉटमेंट ड्यू करिए उतने रुपए से अपन को ये पैसा आना चाहिए। और गाइस एक बात का अपन याद रखेंगे कि जितने रुपए से अपन ने अलॉटमेंट को डीआर किया है उतने से ही अलॉटमेंट सीआर होगी हर कीमत पर, ठीक है। अभी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी नॉर्मल क्वेश्चन, जब ये कॉल से नहीं है सब कॉल से एडवांस में अपन पहुंचेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उसको दूर करते हुए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जितने रुपए से आपने अलॉटमेंट ड्यू करी है उतने से, यानी जितने से डीआर किया उतने से सीआर होनी चाहिए हर एंट्री, ठीक है। तो अपन की इस तरीके से करेंगे तो एंट्री एकदम परफेक्ट आएगी और अपन को एंट्री समझ में आएगी। तो ये एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया अलॉटमेंट ड्यू करके और उनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया। तो आई होप कि गाइस ये दोनों एंट्री तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एप्लीकेशन की कर दी है और गाइस किसी कर दी है अलॉटमेंट की। अब अपन बात करते हैं इधर फर्स्ट कॉल लास्ट, तो मैंने आपको बताया था कि जो सी भी कॉल, जो भी कॉल अपनी लास्ट होगी उसमें अपन फाइनल लगाएंगे। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी फाइनल कॉल की एंट्री, तो गाइस आई होप कि ये आपको अच्छे से यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी फाइनल कॉल की एंट्री भी देखते हैं अपन, तो गाइस फाइनल कॉल की एंट्री इक्विटी, अब इन फाइनल कॉल ड्यू की जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 और कितने का मल्टीप्लाई होगा 15 का, तो गाइस कितना हो गया 150,000 यानी 1.5 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर दी और इसका गाइस पैसा मंगा लिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने से गाइस 1.5 लाख रुपए से ये अपन एंट्री पोस्ट कर देंगे, यानी 1,50,000 से अपन एंट्री पोस्ट करी है, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका पैसा आ गया। तो गाइस अपन को यहां पे भी एक चीज याद रखनी कि जितने रुपए से फर्स्ट कॉल अपन ड्यू हुई है यानी डीआर करी उतने से ही वो सीआर होनी चाहिए। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये एट पार्ट है। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पहले एप्लीकेशन लगाई तो एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले इसलिए होती है कि कंपनी को पता चलेगा ना कौन कौन उनके शेयर खरीदना चाहता है, तो पता कैसे चलेगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसा जमा कराएगा तो कंपनी का पैसा था एंट्री पोस्ट होती बैंक अकाउंट डीआर टू किस चीज का एप्लीकेशन का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब अलॉटमेंट के लिए तैयार है चीजें। तो अलॉटमेंट कर दिया गया, अब अलॉटमेंट ड्यू होगा यानी अलॉटमेंट यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर कैपिटल और फिर पैसा मंगाया जाएगा बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसके फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर कैपिटल और उसका पैसा मंगा लिया के लिए इन्होंने इशू करे और एप्लीकेशन 10,000 की 10,000 आ गई, तो इसका मतलब ये था फुल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये था फुल सब्सक्रिप्शन में, अभी अपन ने पढ़ा एट पार, ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे इसको एट प्रीमियम, ठीक है। तो गाइस आपके मॉड्यूल में ये इलेक्शन नंबर है 6 निकाल लीजिए, आप ये टेंशन ना लें कि आप सर एक इलेक्शन दूसरा इलेक्शन करा रहे हो सिक्स्थ इलेक्शन करा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, अपन टॉपिक वाइज चलेंगे और आपके सारे फंडामेंटल जो भी वो है क्लियर करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो इलेक्शन नंबर आप 6 निकालिए क्योंकि अपन को ये प्रीमियम पर जो है वो इशू करना है, तो वो भी आपको बताना है, तो अपन शेयर प्रीमियम पर इशू करेंगे, वो आपको मैं समझा रहा हूं। इलेक्शन नंबर 6 पे आइएगा, इलेक्शन नंबर 6, तो गाइस ये आपके दे रखा है मॉड्यूल में पेज नंबर 10.32 पर, ठीक है। तो इलेक्शन नंबर 6 अपन बताएंगे, इसमें लिखा हुआ है गाइस ऑन 1 अप्रैल 2017 पिनोर इक्विपमेंट लिमिटेड रिसीव्ड करती एप्लीकेशन 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना गाइस। तो ये अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, ये इलेक्शन आपको करने वाले हैं और ये है प्रीमियम पर, तो प्रीमियम का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं प्रीमियम। तो ये है अपना इलेक्शन नंबर 6 और जो कि अपना प्रीमियम पर, यानी कि अपन ने जो इंस्टॉल लमसम में पढ़ा था वो अपन इंस्टॉलमेंट में पढ़ रहे हैं प्रीमियम पर। तो गाइस ये अपना 6, इसमें लिखा ऑन 1 अप्रैल 2017 पिनोर इक्विपमेंट लिमिटेड ने रिसीव करी है एप्लीकेशन 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स की
100 each to be issued at a premium 25% premium. कितना आएगा 25% premium. आपको हमेशा याद रखना है किसका लेना है, फेस वैल्यू का. तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी है गाइस, 100 रुपए. और इसका अपन 100 रुपए का कितना और लेने वाले हैं, 25%. ठीक है गाइस, तो टोटल कितना हो गया 125. जिसमें अभी क्या अपन को पता हुआ है कि एप्लीकेशन इन्होंने जो दे रखी है वो दे रखी है 25 की. अलॉटमेंट की बात करो तो इन्होंने लिखा हुआ 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो अगर अपन इसमें बात करो तो 50 रुपीज तक कैपिटल की हो गई है और 25 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का, क्योंकि हमें पता है 25 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है और वो इंक्लूड अलॉटमेंट में. तो 75 में से अगर 25% प्रीमियम को अलग करो तो कैपिटल का पैसा कितना आता है, 50. तो कैपिटल का हो गया और 25 अपना किसका हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का. ओके, इसने लिखा है बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर एज एंड वेन रिक्वायर्ड. इन्होंने बोला कि जब हमें बाद में जरूरत होगी और पैसे की तो हम मंगवा लेंगे. इन्होंने भी हाल फिलहाल एक एप्लीकेशन मांगी है और एक अलॉटमेंट मांगा है, और पैसा भी इन्होंने को मांगना नहीं है. मतलब जब भी वो रिक्वायरमेंट होगी, कोई जरूरत होगी तब वो मांग सकते हैं. तो गाइस एप्लीकेशन 25 रुपए और अलॉटमेंट, हमें दो एंट्रीज पोस्ट करनी है. तो गाइस यहाँ पर मैं आपको कुछ एक बात बताता हूँ, साइलेंट फीचर्स है कंपनी के. जब तक क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो, गाइस क्या, जब क्वेश्चन साइलेंट है, सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस कॉल पर है, एप्लीकेशन पर है, अलॉटमेंट पर है, फर्स्ट कॉल पर है, सेकंड कॉल पर है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. बस इतना बोल रखा है कि शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू है और अपन को कॉल दे रखी है, तो आपको ऑलवेज यानी हमेशा उसे अलॉटमेंट पर मानना है. ये कंपनी का साइलेंट फीचर है. कहां पर मानेंगे, ऑलवेज कहां पर, अलॉटमेंट पर. अभी यहां पर तो अलॉटमेंट पर गिवन है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो मैं इसको कहां पर मानता, अलॉटमेंट पर. ये है साइलेंट, जब क्वेश्चन साइलेंट है तो नहीं बताया गया कि किस कॉल पर सिक्योरिटी प्रीमियम लेना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर लेना है तो एप्लीकेशन पर लेंगे, अलॉटमेंट पर ले रखा है तो अलॉटमेंट पर लेंगे, फर्स्ट कॉल पर बोल रहा है फर्स्ट कॉल पर लेंगे, सेकंड कॉल पर बोल रहा है सेकंड कॉल पर लेंगे. वो जैसे बोलेगा फिर अपन वैसे करने वाले हैं. लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन ही गिवन है तो फिर अपन को जहां पर इसने बोला है वैसे करेंगे. अगर नहीं बोलता तो आपको हमेशा याद रखना है कहां पर मानना है, अलॉटमेंट पर मानना है सिक्योरिटी प्रीमियम को साइलेंट के केस में. ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एंट्री. तेरा ध्यान समय जब पहले वही पैसा मंगाएंगे, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. मैं गाइस शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, यानी कि नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं वो बात करते हैं 250,000. कितने गाइस, 250,000. और एप्लीकेशन का पैसा है कितना, 25. कितना है 25 करेंगे तो 625 आता है. और गाइस आपको कैलकुलेटर से करना है तो 4 जीरो और लगाने हैं, यानी 62,50,000 आपका ये आएगा. गाइस कितना आएगा, 62,50,000. यानी बैंक अकाउंट या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है ना गाइस, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया था इससे लास्ट क्वेश्चन में, तो इसी तरीके से अपन इसको कर रहे हैं. ठीक है, 62,50,000. अपन थोड़ा सा देखते हैं इसमें डेट के बारे में कुछ दिया हुआ है. इन्होंने लिखा है कि जो 1st October 2017 को इन्होंने एप्लीकेशन रिसीव करी थी, तो गाइस मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं. यहां से 250,000 कराया है, ये एंट्री है 1st October 2017 को उन्होंने पैसा रिसीव किया. उसके बाद उन्होंने आगे बोला कि द शेयर वाज अलॉटेड जो किए गए हैं वो 20 अक्टूबर, यानी कि हमने कैपिटल एप्लीकेशन का पैसा अगर हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, इसका मतलब हम इन लोगों को शेयर अलॉट करने वाले हैं. तो 20 अक्टूबर 2017 को अपन ने इसको ट्रांसफर किया और इसी डेट को अपन एंट्री पोस्ट करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की. ठीक है, क्योंकि जिस डेट को अपन अलॉटमेंट के लिए बोला है उन्होंने बोला 20 अक्टूबर, तो अपन ने इसका मतलब ये वाली जो एंट्री कैपिटल की ट्रांसफर करने वाली होती है इसको भी अपन 20 अक्टूबर को करेंगे. इसका मतलब ये है कि हम इन लोगों को क्या देने वाले, शेयर्स देने वाले हैं. तो अलॉटमेंट अब ड्यू होगा 20 अक्टूबर को, एंट्री पोस्ट होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. और गाइस टू लिखेंगे यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम. क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या अलॉटमेंट में प्रीमियम ले रहे हैं, कैपिटल का पैसा कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में. तो यहां पर कितने रुपए का है कॉल, 75. तो 75 इनटू टोटल कराएंगे हम कितने से, नंबर ऑफ शेयर्स है 2.5 लाख, तो इसका मल्टीप्लाई होगा कैपिटल, यानी कि यहां पर डेट लिखी हुई है तो ये यहां पे होगा. और जो 75 into 250,000,
कैपिटल का पैसा इसमें कितना है 50 इनटू कितना जाएगा 250,000 शेयर्स, ठीक है। उसके बाद गाइस 25 रुपीस इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है और 250,000 इसमें है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, 25 रुपए 50 रुपए कैपिटल का पैसा और टोटल अलॉटमेंट में जाएगा 75। तो अपन इसका मल्टीप्लाई करा के इधर लिख देते हैं, तो ये तो आएगा 62,50,000 और ये आएगा गाइस 1 करोड़, ठीक है गाइस, और ये आएगा 1,62,50,000, ठीक है ना गाइस। तो ये एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेटर पर कर लेते हैं इसको, 1 करोड़ तो इसका यहाँ पे 1 करोड़ नहीं आएगा, 1,25,00,000 लगाएगा, तो ये जो आएगा गाइस टोटल अपन करते हैं तो इसका आएगा 1,87,00,000 टोटल। तो ये तो एंट्री आपको समझ में आई ड्यू की। अब पैसा कमाएंगे तो एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है गाइस, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,87,50,000, ठीक है 1,87,50,000 ये अपन ने लिख दिया है यहाँ पे। तो मैंने कहा जब आपको बताया जितने रुपए से अलॉटमेंट ड्यू होगा दिया करा है उतने रुपए से वो हालात में क्या होना चाहिए सीआर होना चाहिए। तो अपने अलॉटमेंट 75 का था, ठीक है 2,50,000 से मल्टीप्लाई करा है, हमें पता है कि 25% प्रीमियम था वो इंक्लूडेड था अलॉटमेंट में, तो 25 रुपए का इसका प्रीमियम हो गया, तो इसका मतलब कैपिटल का पैसा कितना 50, तो 50 का 50 × 2,50,000 के हिसाब से कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और 25 × 2,50,000 के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो गाइस ये था पहले अपने पैसा मंगाया फिर कैपिटल में ट्रांसफर करा फिर अलॉटमेंट ड्यू करी और फिर अलॉटमेंट का पैसा मंगाया। अलॉटमेंट का पैसे के लिए गाइस इसमें आपको दे रखी है डेट कि उन्होंने लिखा है कि 20 अक्टूबर तक 20 अक्टूबर 2017 के अलॉटमेंट मनी वो ड्यूली रिसीव्ड ऑन 31st अक्टूबर तो यानी कि 31st अक्टूबर को ये आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस पैसा आ गया, इसका 34th अक्टूबर तक की एंट्री पोस्ट हो गई। ये अपन ने पैसा एप्लीकेशन का या फिर कैपिटल में ट्रांसफर अलॉटमेंट ड्यू और अलॉटमेंट का पैसा मंगाया है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक साइलेंट बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन केवल नहीं है तो आप ऑलवेज उसको अलॉटमेंट पर मानेंगे और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम
उधार पड़ा है इंस्टॉलमेंट में, और ये भी अपना कौन सा है, यानी 2.5 लाख एप्लीकेशन, यानी 2.5 लाख शेयर इशू करने थे और 2.5 लाख की एप्लीकेशन आ गई, यानी 2,50,000 शेयर इशू करने थे और 2,50,000 की एप्लीकेशन आ गई। ये भी फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। तो अपने एट पार और एट प्रीमियम गाइस इसमें दोनों समझ लिए हैं अच्छे से। अगर गाइस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करूंगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है, आप इसका रिवीजन करें। मैं चाहूं तो इसमें भी और भी एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप इसका रिवीजन करें, इसको अच्छे से देखें, अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है, तो अपन अच्छे से इसको कराएंगे, कोई प्रॉब्लम लेनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।